चाय। थैंक यू मैम। थैंक यू हिंदी चाय। थैंक्स। ये है ना मिल ले। हाँ कितनी यंग है, इतनी यंग लड़की का कोई खून कर देता है, अजीब लगता है ना एमडी कि आप किसी को जानते हो और उसका कत्ल हो जाए। एमडी हालांकि एमएलए ने तुम्हें प्रपोज किया था, मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस कातिल का पता लगाओ। देखो मैंने एमएलए का कत्ल को 15 दिन पहले हुआ था और 15 दिन किसी भी कातिल के लिए कहीं बहुत दूर निकल जाने के लिए बहुत होते हैं। अब वो कातिल कहाँ होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। हाँ हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। बस मेरे लिए इतना ही काफी है। अगर तुम इस केस के सामने नजर उठा के भी देख लोगे ना तो मुझे पता है कातिल बच नहीं पाएगा। मेरे एमडी को मेरे अलावा कोई इतनी अच्छी तरह से नहीं जान पाया है ना। बाकी चाहती हूँ मैं ये केस लूँ। ओके थैंक्स। मैं किचन में हूँ अगर मेरी जरूरत हो तो। ओके तस्वीर है मैडम की, बैठो बैठो आप लोगों के विजुअल रेफरेंस के लिए। समझ में नहीं आ रहा कि केस को कहां से शुरू किया जाए। एक लड़की मेरे घर पे आती है, बताती है कि उसको एक ख्वाब आता है, उस ख्वाब का एक हिस्सा सच हो जाता है। फिर एक वकील मेरे घर पे आता है 50,000 रुपए का एक चेक लेकर, जो एमेल्डा नाम की एक लड़की ने मेरे नाम पर छोड़ा है अपनी विल में। उसी एमेल्डा नाम की लड़की की विल में सबसे ज्यादा पैसा 5 लाख रुपए विकी नाम के एक लड़के के नाम है और विकी की मौत हो जाती है। सर, एमेल्डा का 50,000 का चेक आपके नाम, हो सकता है एमेल्डा को अपने मौत का अंदाजा मुझसे पहले ही हो गया हो। मतलब एमेल्डा को पहले से एहसास था इस बात का कि कोई उसे मारने वाला है। राइट सर। सर, विकी के नाम एमेल्डा ने सबसे ज्यादा रकम छोड़ी, कहीं ऐसा तो नहीं वो रकम हासिल करने के लिए विकी ने एमेल्डा का खून कर दिया? एमेल्डा और विकी के बीच में क्या ताल्लुक हो सकता है? बबली का कहना है कि विकी उसका बॉयफ्रेंड था। एमेल्डा और विकी का क्या ताल्लुक है इस वक्त कह पाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बात है कि जिसने एमेल्डा और विकी का कत्ल किया है अगर वो कोई बाहर का आदमी है तो उसका अगला शिकार बबली होनी चाहिए। विकी, बबली और एमेल्डा, आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है? सर, मुझे तो ये दोनों केस अलग लगते हैं, इन सब का आपस में कोई ताल्लुक नहीं लगता। है तो थोड़ा अजीब कुमार, एक वसीयत और 2 कत्ल, एक बॉडी जो हमने अभी तक देखी नहीं, एक बॉडी जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कहाँ से शुरू किया जाए केस? विकी के घर से, एमेल्डा के घर से या बबली के घर से? सर, मेरा ख्याल है कि हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। हमारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिटेक्टिव्स के लिए सिर्फ एक पॉइंटर होती है, उनकी मदद करती है। डिटेक्टिव को अपनी नजर और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। बड़ी सही है ना? सर, मुझे तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। जब इंसान रोशनी से अंधेरे की तरफ जाता है तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन जब कुछ देर उस अंधेरे के अंदर रहो तो अंधेरे की आदत हो जाती है, फिर चीजें जो अंधेरे में होती हैं हल्की हल्की साफ दिखाई देने लगती है। राइट राइट सर। हम लोगों को भी अंधेरे में देखने की आदत डालनी चाहिए। मेरा ख्याल है वी विल स्टार्ट विद एमेल्डा। पुलिस स्टेशन फर्स्ट।
सर, हमारे पास सिस्टर एमेल्डा के केस में ये एविडेंसेस हैं। ये डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स हैं और ये फोटोग्राफ्स उन घावों के हैं जो डेड बॉडी पे हमें मिले। ये घाव सबसे गहरा था, ये वाला जी, तीनों एक ही चाकू के निशान है। जिस चाकू से कत्ल किया गया वो चाकू कहाँ है? सर, इस केस में चाकू तो हमें नहीं मिला, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये जरूर पता चला है कि जिस चाकू से सिस्टर एमेल्डा को मारा गया उसकी सेंट्रल विड्थ एक या डेढ़ इंच थी। सेंट्रल विड्थ एक या डेढ़ इंच। और हाँ सर, ये स्कार्फ है जो डेड बॉडी के गले के पास था। ओके, एमेल्डा की डेथ की खबर आपको किसने दी? किसी विक्की नाम के लड़के ने हमें इन्फॉर्म किया था सर। विक्की नाम के लड़के, हो सकता है विक्की ने कत्ल किया और उसके बाद आपके पास आके खबर दे दी। एनीवे, एमेल्डा की बॉडी किसने क्लेम की? सर, उनकी बॉडी को किसी ने क्लेम नहीं किया। नारी निकेतन में जहां वो रहती थी उनकी तरफ से पुलिस ने ही उनका संस्कार किया। मुझे लगता नहीं कि उनका कोई था। अच्छा, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से ये केस किस स्टेज तक आगे बढ़ चुका है? सर, इस केस को आगे बढ़ा के हम क्या करते? सिस्टर एमेल्डा की तरफ से कोई केस को पुश करने वाला था नहीं, तो हमारी तो फाइल कब से बंद पड़ी। ओ, कोई पुश करने वाला नहीं था। एक ख्याल दिमाग में आता है इंस्पेक्टर त्यागी, अगर एक इंसान जिसका दुनिया के अंदर कोई ना हो उसका कत्ल हो जाए तो उसकी डेड बॉडी आपके पास मदद मांगने के लिए कैसे आएगी, कैसे पुश करेगी अपने केस को? पुलिस का फर्ज है कातिल को फांसी के फंदे तक पहुंचाना। अगर कोई पुश करने वाला ना हो इस वजह से आप मर्डर की फाइल्स बंद करने लगेंगे तो बहुत सी मासूम जिंदगियां कातिलों के हाथों लावारिस लाशें बन जाएंगी। सोचिएगा इस बार, क्योंकि आप हमारे ही डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं इसलिए खबर दे रहा हूँ। विक्की जिसने यह खबर दी थी कि एमेल्डा की मौत हो गई है, मर चुका। यही जगह होनी चाहिए जहां आप डेड बॉडी गिरी थी। सर, कुमार सर, वो माल है तुम्हारे पास सर? राइट, सर इसमें दो लोग भी हो सकते हैं। हो सकते हैं कुमार।
मैं तुम्हें पीछे की तरफ खींचूंगा, तुम गिरना। ओके एक आदमी भी कर सकता है, ज्यादा मुश्किल नहीं। पासो चीफ डिटेक्टिव, आपके हस्बैंड मिस्टर देशमुख का वो नहीं है, लेकिन आप इस तरह सीधे ऊपर कैसे चले आ रहे हैं? मैं पूछती हूं, आप हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? पहले मेरे बेटे का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया, अब क्या चाहिए आपको? देखिए, आपको गलतफहमी है, मैं आपके पीछे नहीं पड़ा हूं, आपके बेटे के कातिल के पीछे पड़ा हूं। एक बात मेरी समझ से बाहर है कि किसी भी मां को अपने बेटे के कातिल के पकड़े जाने में क्या ऐतराज हो सकता है। अगर आप मेरी नजर से देखें और मेरे दिमाग से सोचें तो आपको एहसास होगा कि इस केस में कुछ भी करने से अगर आप हमें रोकेंगे तो आप हमारे शक के दायरे में आ जाएंगे। आप मुझे एक मां पर शक कर रहे हैं? शक करना तो मेरा पेशा है, वैसे मैं मां के वजूद की बेहद इज्जत करता हूं, लेकिन मुजरिमों के लिए मेरी नफरत इतनी शदीद है कि बाकी सब जज्बात उसमें फुरूक हो जाते हैं। मैं जरा आपके बेटे विक्की का कमरा देखना चाहूं। आई कोई इस कमरे के अंदर आया था, किसी ने तलाशी लिया इस कमरे की? नहीं नहीं, विकी के कमरे में कोई नहीं आता, ये कमरा तो हमेशा ऐसा ही रहता है, बिखरा बिखरा। ओह आई सी, बबली नाम की लड़की के बारे में कुछ जानती हैं आप? जी हाँ, बबली और विकी की अच्छी दोस्ती थी, अच्छी लड़की, मुझे बहुत पसंद थी, हमारी ही कास्ट की थी।
बबली का हमारे यहाँ खूब आना जाना था। था। ये आना जाना बंद कब हुआ? एक दो तीन महीने हुए। दो तीन महीने। अच्छा, दो तीन महीने पहले आपने विकी में कोई चेंज या कुछ अनयूजुअल सी बात नोट की? नहीं, पर एक बात मुझे काफी अजीब लगी उसकी। कौन सी बात? उसने घर में पूरी तनख्वाह देनी बंद कर दी थी और ओके, अब वो सैटरडे संडे को बाहर ही रहने लगा। कहता था मम्मी 5 दिन घर के लिए, 2 दिन मेरे अपने लिए, पता नहीं कहाँ जाता था। ये सैटरडे संडे को बाहर रहने लगा था, ये भी 2-3 महीने से हो रहा था। जी हाँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सैटरडे संडे को बबली से मिलने के लिए जाता। पता नहीं, हो सकता है वहीं जाता। अच्छा, 2-3 महीने पहले विकी के साथ कोई अजीब बात हुई हो, कोई कोई हादसा हुआ हो? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पर उसे जॉन्डिस हुआ था और उसे हफ्ता भर हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। जॉन्डिस? आई सी। कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया था आपने? मीरा नर्सिंग होम में दाखिल। मीरा नर्सिंग? जी हाँ। आपके हस्बैंड कल रात को कहाँ थे? यही थे, और कहाँ होंगे? Are you sure? जी हाँ, वो पक्का यही थे, घर पे ही थे वो। Thank you. मैं जरा आपका बेडरूम देखना चाहूँ। विकी की डेथ के बारे में काफी सोचा। घर आकर मैंने उसके सारे पेपर्स चेक किए। उसके रूम से मुझे एक पर्ची मिली। देखिए ये पर्ची। 1:30 AM पार्किंग बेसमेंट नियर स्टेशन। जी, मैंने सोचा जरूर कोई गड़बड़ है। मेरा बेटा अपनी मौत मरा है या किसी ने उसे मारा है। अपनी तसल्ली के लिए मैं कल रात उस जगह पहुंचा जिसके बारे में इस पर्ची में जिक्र। आपको जी नहीं, वहां से मैं बबली के घर गया। बबली और विक्की दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने सोचा इस पर्ची के बारे में बबली से पूछ लेता हूं, पर ये लोग सो चुके थे। अच्छा, आपकी बीवी और आपके बेटे विक्की के बीच में कभी कोई झगड़ा होता था? जी नहीं। आपको अभी भी सपने आते हैं? जी हाँ, वो सपना मुझे रोज आता है। इस पर्ची के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं तो। मिस्टर देशमुख, एमेल्डा नाम की किसी लड़की को जानते हैं? नो, आई डोंट नो। श्योर? श्योर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी प्लीज। कम। बैठिए। शुक्रिया। आपने बताया था कि एमेल्डा 5 लाख रुपए विकी के नाम पर छोड़कर गई थी अपनी विल में। पूरे 5 लाख छोड़े। मैं एमेल्डा की विल देखना चाहूंगा। विल? मैं आपको सब कुछ मुंह जबानी बता देता हूं। विल मैंने तैयार की। पूछिए क्या पूछना। मैं एमेल्डा की विल देखना चाहता हूं। जी,
आपके नाम पूरे 50,000 छोड़े हैं और विकी के नाम 5,00,000 रुपए। ये देखिए, ये है एमिल्डा की। मैं एमिल्डा मैथ्यू, पुत्री श्री जॉन मैथ्यू, बिना किसी दबाव के अपने पूरे होशो हवास के साथ ये वसीयत कर रही हूँ कि विकी देशमुख 5,00,000 रुपए, नारी निकेतन की कन्वीनर सिस्टर रूथ 2,00,000 रुपए, वो जहाँ एमिल्डा रहती थी ना उसकी कन्वीनर, मीरा नर्सिंग होम 1,00,000 रुपए, जहाँ एमिल्डा काम करती थी वो हॉस्पिटल, फादर फर्नांडिस 1,00,000 रुपए। नारी निकेतन का एक चर्च है, उसके फादर फर्नांडिस। मोहनदास बीएल भी 50,000। ये आपके है? ये नीचे नोट है, ये आपके कोई काम की नहीं है, फिर भी पढ़ लीजिए। जिन लोगों के नाम पर मैंने पैसा छोड़ा है, अगर ये पैसा उनमें से कोई भी लेने से इनकार करता है या पैसा प्राप्त करने से पहले किसी की मृत्यु हो जाती है, तो इस राशि के 70% हिस्से पर नारी निकेतन का अधिकार होगा और शेष 30% मेरे वकील राजीव गोखले को मिलेगा। मतलब आपकी फीस के अलावा 30% का आपको नेट प्रॉफिट है। मैं समझा नहीं। गोखले साहब, आप तो प्रॉपर्टी केसेस में डील करते हैं, ये मासूमियत आपका चेहरा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो क्या है कि एमिल्डा जी का कोई था नहीं ना, उन्होंने मेरा नाम लिख दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया। 5,00,000 रुपए विकी के नाम पे हैं, वो मर चुका है। 50,000 रुपए मेरे नाम पे हैं, मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अगर ऐसे ही हिसाब लगाया जाए जरा सा, तो 30% के हिसाब से 1,65,000 रुपए आपके नाम पे तो वैसे ही हो जाता है। काफी बड़ी रकम है, इसके लिए कोई कुछ भी कर सकता है। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक करना तो मेरा पेशा है, मैं खुद तक को नहीं छोड़ता जब तक कि असली मुजरिम सामने ना आ जाए। AM पार्किंग बेसमेंट नियर स्टेशन। इस टाइपराइटर से टाइप नहीं की गई है पर्ची, इसका टाइप ब्लैक है और इसका ब्लू। सिस्टर रूथ, मैं एमिल्डा का कमरा देखना चाहूँ। वो कमरा तो मैंने दूसरी लड़की को बल्कि तीसरी लड़की को दे दिया। मतलब अभी 10-12 दिन पहले उस कमरे में एक लड़की थी, 4 दिन पहले नारी निकेतन में रात को 10 बजे उसके कमरे में एक लड़का था। यू नो सर, वेरी बैड। मैंने उसका सामान उठवाकर बाहर फेंकवा दिया। आई सेड नेक्स्ट गर्ल प्लीज, नैंसी। वेरी गुड गर्ल सर, वेरी गुड गर्ल, नो बॉयफ्रेंड। अच्छा, नो बॉयफ्रेंड। एमिल्डा का सामान कहाँ है? स्टोर रूम में। स्टोर रूम? Parking basement near station. Amelda से मिलने के लिए कोई लड़का आता था? No,
नो सर, नो बॉयज अलाउड। हेमलता का कोई बॉयफ्रेंड था? यस सर, वो सैटरडे संडे बाहर जाती थी। नो बॉयज अलाउड इन नानी निकेतन सर। इनके नाम पे हेमलता कितने पैसे छोड़ के गई है कुमार? 2 लाख का सर। इन्होंने तो चेक भी कैश करा लिया सर। हेमलता की मौत के 15 दिन के अंदर अंदर बॉयज नो मनी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से विक्की की मौत साइनाइड से हुई है। सर, किसी तेज नोकीली या धारदार चीज से बॉडी को स्क्रैच किया गया। राइट। विक्की की मौत रात के 11:30 के आसपास हुआ है। और विक्की की मदर के हिसाब से उस रात विक्की करीब 11 बजे घर पहुंचा था सर। 11। लेकिन सर 11 बजे से पहले वो कहां था इसकी इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं। लेकिन सवाल यह है सना कुमार के विक्की की मौत से किसको फायदा हो सकता है? सर, नारी निकेतन की सिस्टर रूथ को अमेल्डा की विल से यह पता चल गया हो कि विक्की को कितने पैसे मिलने वाले हैं और उसने विक्की को मर्डर कर दिया हो। पॉसिबल। लेकिन इस केस में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये 2 पर्चियां हैं। लिखा है 1:30 AM पार्किंग बेसमेंट नियर स्टेशन। दूसरी पर्ची पे भी लिखा है 1:30 AM पार्किंग बेसमेंट नियर स्टेशन। पार्किंग बेसमेंट नियर स्टेशन, ऐसी एक पर्ची विक्की के फादर को विक्की के कमरे से मिली है और ऐसी दूसरी पर्ची हम लोगों को एमेल्डा के सामान से मिली है। सवाल यह है कि एमेल्डा ने यह पर्ची विक्की को भेजी या विक्की ने यह पर्ची एमेल्डा को भेजी या किसी तीसरे आदमी ने यह पर्ची विक्की और एमेल्डा को भेजी। एमेल्डा और विक्की पार्किंग बेसमेंट में मिलने वाले थे ये बात तय है, क्योंकि एमेल्डा की मौत की खबर सबसे पहले विक्की ने पुलिस को दी। लेकिन सवाल इस बात का है कि विक्की की डेथ में किसी का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? सर, इस केस में वकील का तो इंटरेस्ट हो सकता है। विक्की के डेथ के बाद उन्हें 1.5 लाख का प्रॉफिट है। 1.5 लाख का? सर, ये खून चंद्र भी कर सकता है, बबली का सर्वेंट। उसे विक्की और बबली की रिलेशनशिप पसंद नहीं थी और उसने विक्की को धमकी भी दी हुई थी। वैसे ये मर्डर बबली भी तो कर सकती है। She has a reason. There are postmen who are faking herself. See, postmortem report के हिसाब से किसी बहुत ही sharp टाइप की चीज से इसके आगे cyanide लगा हुआ था, विक्की को स्क्रैच किया गया है। सर, विक्की की बॉडी पर जो मार्क है वो ब्लेड या कैंची का भी हो सकता है। नहीं कुमार, मैंने शमशान घाट में जब विक्की की बॉडी देखी थी उसके फेस पे जो स्क्रैच था वो किसी नुकीली चीज से तो बनाया गया था, लेकिन बहुत ज्यादा नुकीली कैंची या ब्लेड जैसी चीज नहीं थी। वो तेज तो थी लेकिन थोड़ी सी ब्लंटेड कोई चीज होनी चाहिए। क्या हो सकती है थोड़ी सी ब्लंटेड कोई चीज? Excuse me. Hello? Mohandas BLLB speaking. साहब जी, किसी ने बबली पे जानलेवा हमला कर दिया है। क्या? आप जल्दी आ जाइए। ठीक है, हम लोग फौरन पहुंचते हैं। बबली पे किसी ने जानलेवा हमला कर दिया। Move. इस स्कार्फ से गला घोंटने की कोशिश की? जी। कहां से आया था वो आदमी? जी, उधर दरवाजे की तरफ से। रिलैक्स, आप घबराइए मत, हम लोग हैं आपके पास, अब कुछ नहीं होगा। सर, पानी पिलाओ। सर, रिलैक्स।
रिलैक्स रिलैक्स। पी लीजिए, रिलैक्स हो जाएंगे आप। बहुत परेशान लग रहे हैं आप सब लोग। कितनी देर में नींद आ जाएगी? 20 मिनट में सर। कब तक सोते रहेंगे? सुबह तक सर। गुड। उसकी सब चीजें चेक कराओ सर, खासतौर पर चाकू, उस पर उंगलियों के निशान किसके हैं सर। मिस्टर देशमुख को फोन कर दो, सुबह 10 बजे यहां पहुंचे सर। प्रोसीड। मिस्टर देशमुख, वैसे तो विक्की के कातिल की दाद देनी चाहिए। कातिल ने कत्ल करने के बाद अपने हाथ खून से साफ कर लिए, लेकिन एक गलती कर गया।
सबूतों का खून नहीं कर सका। आई जिंदगी में पहली बार जब भी कोई कत्ल करता है तो उसको पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, कोई मजबूरी, कोई लाचारी, बदले की ख्वाहिश, नाकामयाबी। लेकिन जब वही इंसान दूसरी बार कत्ल करता है तो उसके दिलो दिमाग से मौत का खौफ उतर जाता है, और जब इंसान के दिमाग से मौत का खौफ उतर जाए तो वो इंसान सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। पता नहीं क्यों खतरे की हर चीज का रंग सुर्ख क्यों होता है। एमेल्डा और विकी का कत्ल एक ही शख्स ने किया और वो है बबली। बबली ने? जी, जैसे आप अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकती है, ये राज आपने बबली से छुपा के रखा है, वैसे ही बबली ने भी बहुत से राज आपसे छुपा के रखे हैं। बबली और विकी की दोस्ती के बीच में अचानक एक दिन विकी को जॉन्डिस हो जाता, उसे मीरा नर्सिंग होम में एडमिट किया जाता। वहाँ एक नर्स एमेल्डा उसे मिलती है जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। विकी और एमेल्डा दोनों वीकेंड साथ बिताने लगते हैं, सैटरडे संडे। फिर विकी एमेल्डा से शादी कर लेता है बिना आपको बताए, क्योंकि लड़की आपकी कास्ट की नहीं है। उस शादी में बबली शरीक तो जरूर होती है, लेकिन उस शादी को बर्दाश्त नहीं कर पाती और मौत के ख्वाब देखना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो अपने फादर का टाइपराइटर इस्तेमाल करती है, उस पर दो पर्चियां टाइप करती है, 1:30 AM पार्किंग बेसमेंट नियर रेलवे स्टेशन। एक पर्ची एमेल्डा को भेजती है, दूसरी पर्ची विकी को भेजती है, और उस पार्किंग बेसमेंट के अंधेरे में एमेल्डा और विकी का इंतजार करती है। एमेल्डा पहले पहुंचती है, अपने स्कार्फ से एमेल्डा की गर्दन नीचे की तरफ खींच लेती है और उस पर वार करती है। एमेल्डा मर जाती है, उसकी डेड बॉडी को देख के बबली घबरा जाती है, वहां से भाग जाती है। विकी थोड़ा लेट पहुंचता है, एमेल्डा की डेड बॉडी को देख के पुलिस स्टेशन जाता है और रिपोर्ट लिखवाता है। याद होगा जब तुम पहली बार मेरे घर पे आई थी और तुमने अपना वो सपना मुझे सुनाया था, उसके अंदर चंदर ने जो विकी पे वार किया था उसका इशारा कुछ जूं, जूं, जूं किया था तुमने। गिल, यू सी, एमेल्डा के जिस्म पर भी तीन चाकू के निशान हैं जो तुम्हारे बनाए हुए। ये चाकू हमें तुम्हारे स्टोर रूम से मिला, इस पे अभी भी एमेल्डा का खून जमा हुआ है। इस चाकू पे तुम्हारी उंगलियों का निशान है और इस चाकू की विड्थ बीच की कोई 1.5 inch है, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया। ये पहला सबूत है तुम्हारी नाकामयाब मोहब्बत के इंतकाम का। फिर उसके बाद इसका अगला शिकार था विकी। इसने नारी निकेतन में एमेल्डा का वही कमरा हायर किया ताकि एमेल्डा और विकी की शादी के सारे सबूत वहां से गायब कर सके। फिर इसने विकी को उस कमरे में बुलाया। इत्तफाकन सिस्टर रूथ ने एक लड़के को इसके कमरे में देख लिया, इसलिए दोनों को वहां से निकाल दिया। लेकिन निकाले जाने से पहले बबली साइनाइड से बुझे हुए नाखून से विकी के जिस्म पर मौत के दस्तखत कर चुकी थी। ये साइनाइड की बोतल जो तुम्हारे स्टोर रूम से मिली, और यही वो नाखून है ना तुम्हारे दाएं हाथ की पहली उंगली का जो स्क्रैच करने के बाद तुमने काट दिया था, ये भी हमें तुम्हारे स्टोर रूम में मिला। वैद जरा अपना वो हाथ दिखाना जिसका नाखून कटा हुआ है, एक दिखाओ ना। ये है वो नाखून जो इसने बाद में काट दिया था।
जैसे ही तुम्हें पता चला कि एमेल्डा की विल में एक डिटेक्टिव का नाम है, तुम खौफजदा हो गई। फांसी के फंदे के डर से तुमने मुझे मोहनदास बीएलएलबी को अपने मौत के खेल का मोहरा बनाने की कोशिश की। मुझे मोहनदास बीएलएलबी अंदाजा हुआ मौत क्या चीज होती है। ऐसा दवाई खाए खाए ब्रश किया किया कुछ मीठा तो नहीं खाया तुमने। सुसु नहीं किया।